और आज मुख्यमंत्री को ईडी ऑफिस पहुंचना था पूछताछ के लिए, लेकिन आज भी छठे समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम का काफिला जो है यहां से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान जो अधिकारी हैं वो खुद जिला बल के रूप में डीएसपी इंस्पेक्टर सहित कई पुलिस पदाधिकारी यहां पे मौजूद हैं, जो पूरी चीज़ों को लेकर के निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि सीएम को आज ईडी दफ्तर आना था। सीएम को ईडी की तरफ से सम्मन जारी किए गए थे। सम्मन में कहा गया था कि वो जमीन घोटाले से जुड़े जो जानकारियां हैं उसे देने के लिए यहां पे पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से यहां पे पहुंचे हैं अधिकारी उसे साफ तौर से लग सकता है कि तामझाम बढ़ गई है और सीएम का काफिला जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो एयरपोर्ट के तरफ जो है वो जो लगातार अधिकारी हैं वो लगातार काफिले जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा था। ऐसे में इस जगह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम के काफिला जो है वो धीरे धीरे अपने एयरपोर्ट जो कि प्रस्तावित कार्यक्रम थे, और ये सीएम की गाड़ी है, सीएम हेमंत सोरेन अपने गाड़ी पर रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से छठा सम्मन के रूप में ईडी के द्वारा जो सम्मन जारी किए गए थे उस सम्मन में हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर ना पहुंचने के नहीं पहुंचे हैं और सीधे यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना, और उसके बाद दुमका और जामताड़ा में जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो चीजें लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी दफ्तर पर सीएम हेमंत सोरेन पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, तो हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं पुलिस पदाधिकारी हैं रैप के जवान हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक ईडी दफ्तर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी और इस सुरक्षा के इंतजाम सुबह से ही किए गए थे, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर इसलिए भी था क्योंकि सीएम का प्रस्तावित कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के दौरान ही सीएम को यहाँ पर शामिल होना था, लेकिन सीएम ईडी दफ्तर नहीं पहुँच करके अपने निर्धारित कार्यक्रम जो है दुमका जामताड़ा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। न्यूज 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।